जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी को डिस्कस करने वाले हैं। कल के दिन यानी कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी कैसे रह सकते हैं, अब बैंक निफ्टी में तेजी आएगा, गिरावट आएगा, इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे ताकि कल के दिन जो लोग भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं उनको थोड़ी सहूलियत मिल सके और वो इस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान सेटअप कर सके। एक दिन के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी दिनों से जो मार्केट ये रेंज बाउंड में फंसा हुआ था, यानी कि काफ़ी दिनों से मार्केट जो एक रेंज में घूम रहा था, अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि फ्राइडे के दिन ये वाला ग्रीन कैंडल बना आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन ही ये मार्केट जो रेंज बाउंड घूम रहा था काफ़ी दिनों से एक दिन के टाइम फ्रेम पर, इससे अब ऊपर निकल गया है मार्केट में। अब क्या होगा, मंडे के दिन भी बुलिश मार्केट रहने के चांसेज हैं क्योंकि मार्केट एक दिन के टाइम फ्रेम पर अब इस रेंज बाउंड से ऊपर निकल के बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और एक बात आप देखेंगे तो अब इसके 41,800 के आसपास भी मार्केट चल रहा है और इसके लिए सीधे इस ये जो एरिया है 41,000 के आसपास यही एक रेजिस्टेंस है, यानी कि 41,800 अभी जहाँ मार्केट है और पूरा चांसेज है कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा 41,800 से लेकर 41,000 के बीच में, इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो उस दिन पूरे दिन भर मार्केट के ऊपर ही जाने के चांसेज रहेंगे। एक दिन के टाइम फ्रेम बात बताई, अब 5 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दिया, 5 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक कैंडल आपको सभी कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ही बनते हुए दिखाई देंगी और अभी मार्केट 41,800 के आसपास चल रहा था, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये 41,000 के आसपास करिए, 41,100 का नहीं 41,000 के आसपास, और अभी मार्केट जिसमें बताया कि 41,800 के आसपास चल रहा था। देखिए मंडे के दिन जो मार्केट ओपन होने के चांसेज है वो 41,800 से लेकर 41,000 के बीच में ओपन होने के चांसेज हैं और उसके बाद मार्केट 41,000 के ऊपर निकलेगा और जब ऊपर निकलेगा तो सीधे मार्केट आएगा 41,500 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर मार्केट आएगा और यदि इसके भी ऊपर निकलता है तो मार्केट आ सकता है, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये है 41,700 के एरिया। हालांकि मार्केट 41,000 के आसपास ओपन होता है तो 41,000 से लेकर 41,700 तक आने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि इतनी लंबी छलांग सप्ताह के पहले दिन देखने को थोड़े चांसेस कम है यहाँ तक आने के, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि 41,500 तक मार्केट आपको इजीली जाते हुए दिख सकता है, यानी कि मार्केट ओपन होगा 41,000 के आसपास और 41,500 तक आपको जाते हुए दिख सकता है कल के दिन मंडे के दिन। अब यही बात यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो अभी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी ज़्यादा मतलब गैप अप ओपन हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन दौरान, और मंडे के दिन भी जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे 41,800 के आसपास चला और ये ओपन होगा 41,000 के आसपास, तो मंडे के दिन भी गैप अप ओपन होने के चांसेस रहेंगे 41,800 से यहाँ से देखेंगे तो, और जब मंडे के दिन भी गैप अप ओपन होगा तो फिर 41,000 के लेवल को पार करने के बाद ये सीधे आएगा 41,500 के आसपास तक। तो आप चाहे एक घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें या आधा 5 घंटा या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हर एक जगह आपको यही दिखाई देगा मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड आने के संभावना है। तो मंडे के दिन आप जमकर पैसा बनाइए, खासकर सी साइड में ही ज़्यादातर ट्रेड लीजिएगा, पी मार्केट के एक दो कैंडल नीचे भी गिरता है तो आप पी साइड में ट्रेड मत खोजिएगा वरना इससे आपको बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में जो एनालिसिस मैंने किया आपको अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।